नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। डिंडोरी मुख्यालय स्थित मंडला बस स्टैंड के पास खाद गोदाम के सामने तकरीबन 300 किसानों ने खाद न मिलने से नाराज होकर देर किया सड़क पर चक्का जाम। किसानों द्वारा किए गए सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डिंडोरी कोतवाली पुलिस। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ल पहुंचकर किसानों से खाद न मिलने की जानकारी उन्होंने ली और कोतवाली प्रभारी के द्वारा किसानों को समझाइश देकर चक्का जाम हटवाया गया। किसानों का आरोप है कि जिले के आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण कई दिनों से खाद के लिए गोदामों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का यह भी आरोप है कि कभी लिंक फेल हो जाने के कारण तो कभी फिंगर न आने के कारण किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। किसानों की मांग है कि ऐसी स्थिति में ऑफलाइन से किसानों को खाद दी जाए। अधिकारियों के निर्देश के बाद किसानों को ऑफलाइन खाद दिए जाने के बाद किसानों ने चक्का जाम हटाया। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। दो दिन से हो गए परेशान, अकेले आती हैं हम, पानी मजदूरी भारी, हम पानी मजदूरी करके खाद ले आती हमें। अभी क्या समस्या हो रही है आप? अभी तो वहाँ कोई फिंगर नहीं ले रहे, कल से हो गए, आज के लिए बोले आज 8 बजे के आके बैठे भूख प्यास, कोई वहाँ फिंगर नहीं हो रही। काहे के लिए आए हो आप? आज के लिए खाद खाद न लेंगे तो क्या खेती किसानी। कौन कौन सा खाद चाहिए आता है? क्या बोल इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।